बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे फाइवर कोर्स की पहली वीडियो है कि अकाउंट क्रिएशन के फाइवर का जो अकाउंट है वो कैसे बनाना। देखिए, हम लोग ना छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फाइवर है वो रैंक नहीं होता, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी गिग को एक मंथ के अंदर इतना रैंक कर दे कि उस पर ऑर्डर लग जाए इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने करना क्या है, 5 से 7 वीडियोस पे हमारा कोर्स मुश्तमिल होगा। आपने साथ साथ वही चीजें कर दी, जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी आपने वैसे वैसे ही अपना जो फाइबर का अकाउंट है वो बना लेना है। साथ साथ काम करेंगे तो ज्यादा मुश्किलात नहीं आएंगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना, आपको उसका आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि हमने जो फाइबर का प्रो अकाउंट है कैसे बनाना है। इसमें जो मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि हमने जो ईमेल है वो कैसे बनाना है, ठीक है, बगैर नंबर के, वो अब उसका यूज यहाँ पर होगा कैसे होगा। चलते हैं वीडियो की जानिब और बनाते हैं फाइबर का अकाउंट। आज हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं, फाइबर अकाउंट क्रिएशन से पहले ये राइट साइड के ऊपर देखें, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और ये देखें मैंने इसमें लिखा क्या हुआ है, mrehandilawar@gmail.com, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा, नंबर से मुराद 1 2 3 4 ऐसे सिंपली लेटर्स आ रहे हैं, mrehandilawar@gmail.com। आपने पहले ऐसा ईमेल एड्रेस बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने नंबर यूज नहीं करना। इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। सबसे पहले आपने सिंपली जैसे आप सिंपली जीमेल अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनाना, बस उसमें नंबर्स ऐड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये चीज तो मैंने पहले बता दी। अब चलते हैं फाइवर की जानिब और सिंपली यहाँ पर लिखते हैं फाइवर, और ये हमारा प्लेटफॉर्म आ गया फाइवर का, और इसके ऊपर हम चलते हैं फाइवर फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर। यहाँ पर सिंपली हम जाएंगे ज्वाइन की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर हम जाके उन्होंने लिखा है ज्वाइन फाइवर किससे करना है, फेसबुक से, गूगल से या एप्पल से। हम सिंपली यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो लिख देते हैं, mrehandilawar@gmail.com .com, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया और फिर हमने इसको कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। ये चीज हमारी मेन चीज है, चूज अ यूजर नेम और चूज अ पासवर्ड। यूजर नेम बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का फाइवर कोर्स देखा होगा, बहुत सारा किसी ने बोला होगा कि आप लेटर्स डालने, कुछ कहता होगा आपने SEO लाजमी लिखना है अंदर, कुछ कह रहा होगा आपने गेस्ट पोस्टिंग लाजमी लिखना है, गेस्ट ब्लॉगर जरूरी लिखना है, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ। इसका कुछ भी इम्पेक्ट नहीं पड़ता, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिये उस्ताद वही होता है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता होता है, उसने कौन सा इधर उधर से देखे, जो उसके साथ गुजरा हुआ उसने वही आपके साथ शेयर करना होता है। तो यहाँ पर हम अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यूजर नेम के कुछ चीजें, तो कुछ तरीके जो मैं बता दूँ। यहाँ पर आपने इसमें भी नंबर ऐड नहीं करना, ओनली लेटर्स ऐड करने। नो डाउट जो लेटर्स वाला जो वर्ड है ना वो बहुत मुश्किल मिलता है यूजर नेम, नंबर वाला इजिली मिल जाता है, नंबर्स ऐड नहीं करने। आपने कुछ भी लिख दो यार, नंबर्स ऐड नहीं करने, ठीक है। नो डाउट इसमें आप SEO लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं जो मेरा के जीमेल था उसका ही वो लिखते हैं, देखते हैं अभी तक तो नहीं आया, ये तो बहुत इजी हो गया यार, mrehandilawar जो मेरा ईमेल एड्रेस था वही मेरा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि जैसा मेरा ईमेल एड्रेस है वैसा ही मुझे अपना यूजर नेम मिल गया। ये देखें आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, कुछ को बहुत डिफिकल्ट मिलेगा, बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने इजीली इस तरह कर। अब स्ट्रॉन्ग एक कोई भी मैं इधर पासवर्ड है वो मैं कर लेता हूँ, ये मैंने एक पासवर्ड लगाया, चेक करते हैं, ये भी ओके है, इसको ज्वाइन करते हैं, ये भी ओके हो गया, ये हमारा फाइवर हो गया है सिंपली ज्वाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना जीमेल ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने अपना जीमेल ओपन कर लिया। अब ये ऊपर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है mrehandilawar यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है, और आगे उसने मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। अब हम सिंपली ईमेल एड्रेस पे जाएंगे, ये देखो फाइवर ने फाइवर का मुझे मैसेज आ चुका है, ईमेल आ चुका है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक
ठीक है, तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक कर दिया, एक्टिवेट योर अकाउंट कर दिया मैंने। चल ये देखिए ऊपर क्या लिखा आ गया, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। सबसे सिंपल मेथड और इजी मेथड मैंने आपको बता दी है कि कैसे हमने बनाना। अब यहाँ से हमारी जो जर्नी है फाइवर की वो स्टार्ट होने जा रही है। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना आपने उसको फॉलो करना है, यकीन करें 2 से 3 मंथ के अंदर आपको फाइवर पे ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अपने खुद का भी जो न्यू अकाउंट मैंने 29 दिसंबर को बनाया था उस पर भी मैं दिखाऊंगा मुझे ऑर्डर लग चुके हैं। अभी सिर्फ 2 मंथ हुए हैं दिसंबर गुजरे को, जनवरी और फेब में आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब हमने करना क्या, अब हम चले जाते हैं इसके ऊपर और इसको जाके हम करते हैं सिंपली रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमें मैसेजेस आए हैं। हमें अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं सेटिंग के ऊपर। हमने सेटिंग पे चले गए सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर हम पे सबसे पहले अकाउंट का था और अब चलते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना है बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर। सेटिंग पे जाके हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर जाना है। सबसे पहले बिजनेस का जो नेम है, हमारे बिजनेस का नेम है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, और अबाउट योर बिजनेस, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायद आपको किसी ने सिखाई है शायद नहीं सिखाई, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है अपने अबाउट योर बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, और हम एक अच्छा सा जो अबाउट है वो लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हाय और कोमा आई एम मोहम्मद, आई एम रेहान आ गेस्ट पोस्टिंग पोस्टिंग एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आई हैव 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एसईओ नेम्ड एज गैस पोस्टिंग और कोमा लिंक बिल्डिंग और कोमा उसके बाद लिंक इंजेक्शन और उसके बाद हम करेंगे ऑफ पेज एसईओ एसईओ और उसके बाद हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है और बाकी और मजीद हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये हमने एक अबाउट योर बिजनेस लिख दिया। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन जो टाइप है वो हम स्मॉल बिजनेस ठीक है अभी तक। स्टेज जो हमारी है अभी हमने लॉन्च किया है। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जस्ट मी करेंगे और बिजनेस इंडस्ट्री के लिए कुछ दो वर्ड इसको हम करेंगे मार्केटिंग। इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग और सेकंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। वेबसाइट हमारी नहीं है, सेव चेंजेस इसको कर दिया हमने। ओके, ये हमारा हो गया सेव। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टार्ट सेलिंग की तरफ। ये ऊपर आपको स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ चुका होगा। स्टार्ट सेलिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर फिर हम नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड पे बिकम अ सेलर और बिकम अ सेलर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, और फिर कंटिन्यू करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे।
ये हमारी चीज आ गई जो कि हमने यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट नेम की तरफ। फर्स्ट नेम जो हमारा उस वहां पे था वही रखेंगे। वहां पर क्या था, रेहान, ठीक है, और यहाँ पर दिलावर, ठीक हो गया। प्रोफाइल पिक्चर बहुत जरूरी है। प्रोफाइल पिक्चर की अगर बात की जाए तो सिर्फ जो हमारी शेप होती है ना, मतलब जो हमारा फेस होता है, सिर्फ उसकी ही हमने पिक्चर लगानी है। जैसे कि अगर मैं जाके आपको शो करवाऊं, जैसा कि ये एक मेरा अकाउंट है फाइवर का, और यहाँ पर देखें मैंने इमेज कैसी लगाई हुई है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही एक इमेज लगानी है, ठीक है, और ये सिर्फ आपको अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ दो और अभी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वो क्या है, स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज रेहान, आई एम द सीईओ ऑफ डीटीएस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे डीटीएस को, ठीक है, ये लिख दिया। आप जो भी आप हो गए आपने वो लिखना है, और मैं अपना वैसे लिखता हूँ, आई एम रनिंग एन एजेंसी ऑफ, वो मैं छोड़ता हूँ। अब आ जाते हैं, आई हैव एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ एसईओ नेम्ड एज, जो भी हमारी होंगी सर्विसेज वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऑफ पेज, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, और फिर उसके बाद गैस पोस्टिंग, गैस पोस्टिंग, और उसके बाद लिंक बिल्डिंग, और उसके बाद लिखेंगे लिंक इंसर्शन, और उसके बाद आर्टिकल कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, उसकी टेंशन या कहाँ से लिखवाना है वो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। आर्टिकल राइटिंग, ठीक हो गया, और कर लो आप ईटीसी, कर लो ईटीसी, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी है, ठीक है। और आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, टू ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मैं बताऊंगा ये एक्सपीरियंस है क्या चीज और कितना लिखना चाहिए इन दिस फील्ड। और उसके बाद गेट इन टच, गेट इन टच विद अस टू टेक आवर माई, लिखेंगे द टेक माई सर्विसेज, एस सी ई ओ सर्विसेज, ठीक हो गया। ये हमने एक छोटा सा अपना डिस्क्रिप्शन लिखा। आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखना है ना वो अपने हिसाब से लिखना है। मेरे से अच्छा भी लिखा जा सकता है, मेरे से इतना अच्छा नहीं भी लिखा जा सकता। जो आप खुद लिखेंगे ना वो बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं अगर प्रोफाइल पिक्चर की, तो वो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई पिक्चर है जो यहाँ पर हमने लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि प्रोफाइल पिक्चर हमने कौन सी और कैसी लगानी है, ठीक है। तो ये एक प्रोफाइल पिक्चर है, मैंने रैंडम से लगा दी आपको, मैंने बताया जिसमें आपका फेस क्लियरली शो हो तो आपने वो लगानी है। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर हम फिर ऐड करेंगे सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश, और इसका जो लेवल है ना वो हम कर लेते हैं कन्वर्सेशनल, ठीक है, बातचीत के काबिल तो हैं हम, ऐड कर देंगे, और फिर इसको कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब आ गया हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक हो गया। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप लिख दो, आपने स्टार्ट किया था 2020 से, और हमने वहाँ पर 2 year ऑफ एक्सपीरियंस लिखा था, तो 20
20 से शुरू करेंगे और लेके जाएंगे इसको 23 तक, ठीक है। अब उसने लिखा है चूज टू ऑफ फाइव ऑफ योर बेस्ट स्किल इन डिजिटल मार्केटिंग। हमने 2 से लेके 5 स्किल्स इसमें लिखनी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम एसईओ करते हैं, एसईओ में ही आ जाता है। और सेकंड हम करते हैं कि हम मार्केटिंग या कंटेंट मार्केटिंग हम करते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, ये 2 चीज़ें करते हैं और फिर नेक्स्ट चलते हैं स्किल्स की जानिब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गैस पोस्टिंग। तो गैस पोस्टिंग आ गया एक्सपीरियंस लेवल, इसका आपने एक्सपर्ट लगाते जाना सबका। नेक्स्ट करो जी एड न्यू। एड न्यू हम लिखते हैं जी लिंक बिल्डिंग, ठीक है। LIN के लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग कर लिया, ठीक है। और इसका एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऐड कर दो और फिर ऐड न्यू। कम से कम 4 से 5 आपने करनी है। उसके बाद आप लगा लो लिंक इंसर्शन तो आएगा नहीं। बैक लिंक्स की बात की जाए अगर, तो बैक लिंक्स आएंगे, हमने बैक लिंक्स क्रिएट करने होते हैं। एक्सपर्ट लेवल ऐड कर दो, ये मैंने 3 वैसे ऐड कर दी हैं। और अभी एजुकेशन और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर्सनल वेबसाइट अभी हमारी है नहीं है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाती है कि इसको कनेक्ट करना है अपने इन चीज़ों के साथ, तो इसमें फिर हमारा अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। अगर हम इसको कंटिन्यू करके देखते हैं तो हमने कंटिन्यू कर लिया हुआ है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ अटैच नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है। ईमेल तो हमारा, ये देखिए आगे लिखा गया वेरीफाइड है। अब यहाँ पर आपने नंबर वेरीफाइड करना है। आपने क्या करना है, आपने ऐड फोन नंबर करना है, ठीक है। ऐड फोन नंबर करके यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है। फिर जो भी आपका नंबर होगा वो आपने लिख लेना है। लिख के फिर आपने कर देना है उसको वेरीफाई बाय SMS। SMS करके वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका अकाउंट हो जाएगा तैयार। फिर आपने जाना है कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, ठीक है। तो फिर हम गिग की तरफ चले जाएंगे और इंशाल्लाह गिग के ऊपर हमारी 4 से 5 वीडियो फुल लेंथ में आएंगी, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से डिस्कस की जाएगी। आज की वीडियो में हमने अकाउंट क्रिएशन का सीखा। यकीन करें आप ऐसे अकाउंट बनाएंगे तो वाकई में पता चलेगा किसी बंदे ने अकाउंट बनाया। नंबर्स नहीं मैंने बोला आने चाहिए उसमें, और सिर्फ लेटर्स आने चाहिए, ठीक हो गया। उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को मेरी ये बातें समझ आ चुकी होंगी। जिस चीज़ की हेल्प चाहिए आपने वीडियो में कमेंट करना है, आपको बता दिया जाएगा। और इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में, इन्हीं फाइवर कोर्स में मैं आपको लाइव जो आपका फाइवर का टेस्ट होता है ना, वो भी आपको पास करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।